आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ए मैन बोरोड सम मनी फ्रॉम ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। ही लैंडेड दिस मनी टू अनदर पर्सन एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 26,410 इन 4 ईयर्स। द मैन बोरोड 2 लैक्स, 1.5 लैक्स, 1,32,050 या 1 लैख। ठीक है, तो एक आदमी ने क्या किया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 5% सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट लिया है। ठीक है, और उसी अमाउंट को इसने क्या कर दिया, दूसरे आदमी को 10% पे दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम पे। ठीक है, 10% पर एनम पे, और उसको इतना प्रॉफिट हुआ है 4 साल में। हमें बताना है कि कितना उसने उधार लिया था। ठीक है, इसने उधार लिया और जो किसी को उधार पे दिया अमाउंट बराबर है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट जो है 10%। तो ये इसका अगर मैं फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लूँ तो ये 1/10 होता। तो ऐसे केसेस में जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए फ्रैक्शन में क्या है, और नीचे जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको आप हमेशा एज्यूम कर लीजिए 10 to the number of years, 10 to the power 4। ठीक है, 10 to the power 4 कितना होगा, 10,000। आप एज्यूम कर लीजिए 10,000 अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है, हमेशा ऐसे कीजिए तो आपको क्या है कन्वर्ट करने में इजी आएगा उसको। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ 10,000 प्रिंसिपल। ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 10 है, 10 to the power 4 की मैंने नंबर ऑफ ईयर्स को। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही हमेशा कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख दिया 10,000। अमाउंट वन क्या है, पहले साल का अमाउंट है, अमाउंट टू है दूसरे साल का, अमाउंट थ्री है तीसरे साल का, अमाउंट फोर है चौथे साल का। मुझे यहाँ पे अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे यहाँ पे मतलब है इस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। ठीक है, मुझे ना तो फाइनल अमाउंट से मतलब है, ना तीसरे साल के अमाउंट से, ना दूसरे, ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ताकि मैं दोनों का डिफरेंस निकाल सकूँ। तो यहाँ पे मैं देखूँ 10,000 है, मुझे अब इसका इंटरेस्ट निकालना है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा इसको 4 साल में। तो आइए निकालते हैं। तो देखिए 10,000 पे पहले साल 10% के रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 10% निकालते हैं तो क्या होगा, इसका 1 0 आप कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 10% में क्या होगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10/100 करेंगे तो आपका पहले साल का इंटरेस्ट है 1,000। हमेशा CI में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट रेट भी है 10% के रेट से बराबर चलता है और ये भी 10% के रेट से बराबर चलेगा, क्योंकि आप इसको ऐड करते जाएंगे तो आपको ये जो सीक्वेंस है, अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये भी 10% 10% चलेगा और अमाउंट में भी 10% 10% का रेट ऑफ चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले साल का मेरे को 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। अब 1,000 पे ही मैंने 10% निकालूंगा, 1,000 का 10% कितना हुआ, 100। अब मैं इसको 100 को इसी 1,000 में ऐड कर लूँगा तो मुझे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 1,000 + 100 1,100, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया CI। अब तीसरे साल का निकालना तो क्या, 1 0 और कैंसिल कर लीजिए, 1,100 + 110 कितना हुआ, 1,012,110। ठीक है, 1,210। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम 100 पे निकालते हैं, 100 पे CI निकालते हैं। ठीक है, तो आपको 100 वाला याद होगा कि 100 पे हम हमेशा 10% निकालते हैं, तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है 100, 110, 121, 133.1 आता है। ठीक है, 100 पे निकालते हैं जो, तो आप हमेशा याद भी रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने यहाँ निकाला तो फाइनल चौथे साल का कितना आ गया, 1331, 1331। अब मेरे को यहाँ CI मिल गया, इसको ऐड कर लेता हूँ मैं। तो ऐड करने पे CI मेरे को 4 साल का कितना मिल गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 4641 मिल गया। अब मेरे को यहाँ पे ऐसा ही निकालना है। ठीक है, तो मैंने एज्यूम क्या किया है, यहाँ पे प्रिंसिपल 10,000, तो सिंपल इंटरेस्ट भी मैं इसी पे निकालूंगा। तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट में निकालूंगा तो SI PRT/100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10,000 है,
अपॉन 100 है, तो 2 0 ऐसे ही कैंसिल हो गए, और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है और टाइम ऑफ ईयर कितना 20, तो 20 × 100 2000 मेरा ऐसा ही आ गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या किया है, हमें अंतर दिया गया है ये, ठीक है। जब प्रॉफिट बोल रहा है तो प्रॉफिट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई का डिफरेंस होता है। अब दोनों का अंतर मैं कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच गया, 2641, ठीक है, 2641। सीआई और एसआई का अंतर हमारे किनारे 2641, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एक एक्स्ट्रा जीरो है, तो आप हमेशा देखिए कि कितने यूनिट है। तो हमारा 2641 जो आया है सीआई 10,000 मानने पे, वो क्वेश्चन के 2641 0 के बराबर करते हैं, तो हमारा एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 10 के, और हमने यहाँ पे क्या माना है 10,000, तो यहाँ पे हम 10,000 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 10,000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 यूनिट इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, एक एक्स्ट्रा जीरो ही इसमें ऐड हो गया। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ पे आंसर तुरंत निकाल पाएंगे, सीधा एक जीरो ऐड कर देंगे, देखते ही कि आपका यह एक यूनिट 10 के बराबर है तो एक जीरो आपको ऐड करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आया, फॉर्मूले से हम देखेंगे कैसे करना है। तो सी आई माइनस एस आई, ठीक है, सी आई का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है P(1+R/100)^T माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को घटाते तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट बचता है, माइनस एस आई, एस आई पता ही आपको, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। आप चाहें तो जैसे कि क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप जनरलाइज कर लीजिए खोल के, ठीक है, इसको आप और जनरलाइज कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को डाल देता हूँ, सी आई माइनस एस आई हमें दिया गया है 26,410, प्रिंसिपल हमें निकालना है 1, और सी आई का रेट दिया है 10/100^4 माइनस प्रिंसिपल, माइनस प्रिंसिपल इंटू एस आई का रेट 5, टाइम पीरियड 4/100। अब इसको फर्दर मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एलसीएम लेके लिख दिया है, ठीक है। जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका 11/10 आएगा, 11/10^4, ठीक है। तो आपका नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 10,000, और 11 को आप 11 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 4 है, तो कितना आएगा 14641, ठीक है। 11 के रिलेशन में आपको ये सब याद होना चाहिए, 11 का स्क्वायर, 11 का क्यू, क्योंकि बहुत जगह यूज़ होता है 11 का स्क्वायर, क्यू और 4 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो 14641 P माइनस यहाँ पे 10,000 × P यहाँ पे आ गया, माइनस 20 P/100, ठीक है। तो मैंने इसको फर्दर सॉल्व इसको यहाँ नहीं किया है, ठीक है, नहीं तो इसको आप 1/5 कर सकते थे, क्योंकि एलसीएम लेने में आपको इजी रहेगा अगर आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, 10,000 ही एलसीएम रहेगा, ऊपर की चीज़ें ये सेम रहेंगी, 14641 माइनस 10,000 P माइनस 100 एक मल्टीप्लाई होकर एलसीएम है 2,000 P। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ऊपर तो आप देख सकते हैं कि 4641 P माइनस 2,000 P कितना आएगा, 2641 P अपॉन 10,000। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2641 इस तरफ भी है और इस तरफ भी, तो यहाँ से आपको कैंसिल कर सकते हैं और एक जीरो आपके यहाँ पर बचेगा 10, तो पी इज इक्वल टू 10,000 × 10 1 लाख, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।